सर जरदारी साहब का तो हाय 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 वो क्या नाम लिया यार, तबीयत गुजार दी तुमने। सर उनपे तो करप्शन के चार्जेस हैं। हाँ तो ये तो उन्हीं का दिल गुर्दा है ना, सदर पाकिस्तान रहे जी, रहना चाहिए। देखो देखो मिन हैसल कौम जो हम लोग करप्ट हैं सारे के सारे, तो सदर पाकिस्तान किसको होना चाहिए। सर आप उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, उनको करप्ट भी कह रहे हैं। तौबा, तौबा, तौबा। मैं कौन होता हूँ उनको कुछ कहने वाला। सर मुझे ये बताइए मरियम साहिबा का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप। ओए शुक्र है यार तुमने मुस्तकबिल की बात की है, लोग तो माजी के पीछे लगे हुए उनके। मेरा मतलब है कि मेरे सवाल का जवाब एग्जैक्टली अभी आया नहीं आपकी तरफ से। नौजवानों को आगे आना चाहिए ना। सर इसीलिए तो कह रहा हूँ। यार क्या हो गया तुम्हें, और मरियम बीबी और खान साहब की उम्र में 12 साल का फर्क होगा। मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, जैसे अपने बिलावल साहब हैं, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई। सर सियासत का शादी से क्या ताल्लुक है। तू है कौन यार है? और ये कौन सा एंकर बुलाया भाई, सिलेक्टेड एंकर लगता है मुझे। अरे सर एंकर सिलेक्टेड ही होता है लकीली। अच्छा वैसे एंकरों का इलेक्शन होगा तो जीतेगा कौन? सर जिसको वोट ज्यादा डलेंगे। कैसी मुजाहिया वाले कर, मतलब जिसको वोट ज्यादा डलते वो जीतता है। और बस कर दे यार, अब आप बिल्कुल सियासतदानों वाली हरकत कर रहे हैं, कहीं की गुफ्तगू को कहीं लेके जा रहे हैं। ओ भाई इस मुल्क को कहीं से कहीं ले गए लोग, तो गुफ्तगू की बात है। अच्छा चलिए सर बात आगे बढ़ाते हैं। सर चौधरी शुजात साहब इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, डेफिनेटली आपका बहुत वक्त गुजरा होगा उनके साथ, उनके हवाले से बताइए क्या ख्याल है, कैसा पाया आपने उन्हें? चौधरी साहब का मिजाज जो है ना हमेशा ही कोई सिपाही आना रहा है। सर हमने सुना कि उनसे कोई जनरल डिस्कशन भी करता था तो वो उसकी हमायत का ऐलान कर देते थे। क्या बात थी उनकी जी। और सर उनके वालिद भी बहुत बड़े सियासतदान रहे हैं और उन्होंने उनका भी नाम मजीद बड़ा किया है। हाँ हाँ घर के बाहर ये बड़ा बोर्ड लगाया नाम का। सर चौधरी जो शुजात साहब है वो तो गालिबन वजीरे आजम भी रहे हैं 3 महीने के लिए। शुक्र अदा करो 3 महीने रहे हैं। सर अभी तो आप उनकी तारीफ कर रहे थे, अब उनका शुक्र अदा कर रहे हैं। मैं जो बात बताने लगा हूँ ना तो तुम भी शुक्र अदा करोगे। अब मुझे ये बताओ इस वक्त खान साहब की हुकूमत है? जी बिल्कुल है। तो 2 दर्जन तर्जमान है लोगों को खान साहब की बात समझाने के लिए? बिल्कुल है सर। अगर शुजात साहब की हुकूमत लंबी चलती तो कितने तर्जमान रखने पड़ते। वेरी इंटेलिजेंट, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने। वैसे आपस की बात है, अगर गूगल पे भी डालेंगे ना उनकी बात तो छोटे मोटे डब्बे ही बनने, तर्जुमा कोई नहीं आना।